हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिशरीज इन डिटेल। तो आज मैं फिशरीज डिस्कस करने वाला हूँ। अपनी लास्ट क्लास में पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुका था। इसके अलावा एनिमल ब्रीडिंग के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर चुका था, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिशरीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज फिशरीज। इससे पहले एपिकल्चर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगला जो टॉपिक है फिशरीज, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो फिशरीज आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। फिशरीज इज व्हाट? फिशरीज फिशरीज जो है, दिस इज द इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू द कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। द इंडस्ट्री विच डिवोटेड टू द कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, दैट यू कॉल्ड फिशरीज। तो याद रहे, इस इंडस्ट्री में हम फिशिज को कैच करते हैं। द इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग और उसके बाद सेलिंग ऑफ फिश। इज दैट क्लियर? इवन फिश को रियरिंग भी किया जाता है। फिश एग्जैक्टली दो टाइप की होती है, एक फ्रेश वाटर फिश होती है और दूसरी होती है मराइन वाटर फिश, राइट? तो जो फ्रेश वाटर फिश होती है उनको जनरली रियरिंग भी कराया जाता है, उनको जनरली पाला भी जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो मराइन वाटर फिशेज हैं उनको पालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो नेचुरली ओशियन में ग्रो करती हैं और उनको जो है कैच किया जाता है और उनकी सेलिंग की जाती है। फिशरीज के मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड का 6th मोस्ट राइट फिश प्रोडक्शन वाला नेशन है। छठा सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन वाला, यानी कि सी फूड प्रोड्यूस करने वाला जो नेशन है वो है इंडिया। इंडिया के काफी सारे एरिया जो है कोस्टल एरिया है। आर यू गेटिंग ऑन? अगर आप साउथ में जाते हैं, इधर केरला, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया जो है किससे, मतलब कोस्टल एरिया से सराउंडेड है। तो कोस्टल एरिया क्या है? दैट इज दिस रिच सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, रिच सोर्स ऑफ सी फूड प्रोडक्शन। तो सी फूड प्रोडक्शन का एक रिच सोर्स माना जाता है इन सभी एरियाज को। इज दैट क्लियर? तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th पोजिशन पे आता है, 6th रैंक पे आता है फिश प्रोडक्शन में। और फिशरीज की वजह से जो है काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काफी सारे लोगों को, यानी कि मिलियन ऑफ फिशरमैन आर वेरी बिजी इन दिस इंडस्ट्री। तो मिलियन ऑफ फिशरमैन ऐसे हैं जो कि इस इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं और इनकम जनरेट करने का काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का और एक इनकम जनरेट करने का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिश जो है हमारी डाइट का एक मेजर फूड है। फिश से हमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये इजिली डाइजेस्टेबल है, राइट? तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट फिशरीज। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं, सो लिसन केयरफुली। तो फिशरीज क्या है? दिस इज द इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू द इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू सेलिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश। सेलिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश, राइट? अगर आप फिश को कैच करते हैं और सेल करते हैं, सेलिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश, द इंडस्ट्री विच इज डिवोटेड टू द सेलिंग एंड कैचिंग ऑफ फिश, दैट यू कॉल्ड फिशरीज। इज दैट क्लियर? ये अपने आप में एक इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है। ये क्या है? एक इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है। फिशरीज के अंदर राइट रियरिंग किया जाता है, रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, अदर एक्वेटिक एनिमल्स को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिशरीज में अदर एक्वेटिक एनिमल्स, नॉट ओनली फिश, फिश के अलावा कुछ अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अदर सी फूड होते हैं, उसको भी आप फिशरीज इंडस्ट्री में ही कंसिडर करते हैं। तो रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक लॉबस्टर, ऑस्टर, क्रैब्स, राइट, मॉलुस्कस या डिफरेंट वैरायटीज। तो फिशेस के अलावा और भी ऐसे प्रॉन्स हो गए, और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कि जो कि एक सी फूड का काम करते हैं और जो कि अपने आप में इनकम जनरेट करने का काम करते हैं, तो उसको भी आप फिशरीज में ही कंसीडर कर लेते हैं। फिशरीज मतलब मेनली फोकस टू द फिश, मेनली फोकस टू द फिश।
फिशरी जो है वो मेनली फिश को फोकस करता है, लेकिन फिश के अलावा कुछ अदर एनिमल्स भी है जो कि एज ए सी फूड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी फिशरीज में ही कंसीडर कर लिया जाता है, राइट? इसी हिसाब से अगर देखा जाए फिशरीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, इस इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एक्वा कल्चर और दूसरा होता है पिस्की कल्चर, एक्वाकल्चर एंड पिस्की कल्चर। तो एक्वाकल्चर की अगर बात करूं तो जो एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर में आप सभी को कंसीडर करते हैं, दिस इज द रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स इवन आल्सो, राइट? तो यहां पे अगर आप दोनों को कंसीडर करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स, राइट? तो इसमें दोनों की कल्चरिंग की जाती है, एक्वेटिक एनिमल्स की भी और एक्वेटिक प्लांट्स की भी, दैट्स व्हाई कॉल्ड एक्वाकल्चर। एक्वा मींस वाटर, सो द कल्चर व्हिच इज रिलेटेड टू द वाटर दैट यू कॉल्ड एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर मतलब दिस इज द कल्चरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की आप कल्चरिंग करते हैं, सभी एनिमल्स की कल्चरिंग करते हैं, सभी प्लांट्स की जो कि एक्वेटिक है उनकी आप कल्चरिंग करते हैं, वो एक्वा कल्चर में आता है, राइट? इसके अलावा यहाँ पे पिस्की कल्चर भी आता है, फिशरीज में पिस्की कल्चर को मेनली कंसिडर किया जाता है, राइट? दे आर टू टाइप ऑफ कल्चर, लेकिन फिशरीज में मेनली जो कल्चर है वो पिस्की कल्चर आता है, जो कि अपने आप में एक मेजर कल्चर है। तो अगर हम बात करें पिस्की कल्चर की, तो पिस्की कल्चर मतलब दिस इज द कल्चरिंग ऑफ ओनली फिशेस, कल्चरिंग ऑफ ओनली फिशेस, फिशेस और पाइसिस। पाइसिस आप समझते हैं, पाइसिस एक सुपर क्लास है, राइट? कॉन्ट्रिक्टाइस, ऑस्टिक्टाइस, दो क्लासेस आती हैं सुपर क्लास पाइसिस में, आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, पाइसिस जो होती है वो अपने आप में एक सुपर क्लास है, और उसमें दो क्लासेस आती हैं, कॉन्ट्रिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस, राइट? तो कल्चरिंग ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, मेनली कल्चरिंग कार्टिलेजिनस फिशेस की पॉसिबल नहीं होती क्योंकि मेनली मराइन होती है वो, बट फ्रेश वाटर की कल्चरिंग बहुत ही पॉसिबल है, लेक में आप कल्चरिंग कर सकते हैं, वाटर बॉडी रिवर में आप कल्चरिंग कर सकते हैं, पॉन्ड में आप कल्चरिंग कर सकते हैं, इवन एक्वेरियम देखे होंगे आपने, घरों में एक्वेरियम्स का सेटअप लगा लेते हैं, राइट? वहां पे उस एक्वेरियम में सजावटी तौर पे भी आप एंजल फिश वगैरह जो आपने पढ़े होंगे, राइट, उनको जो है रखा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे पिस्की कल्चर में कल्चरिंग ऑफ ओनली फिशेस, जबकि एक्वाकल्चर में कल्चरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों की कल्चरिंग की जाती है एक्वाकल्चर में, वहीं पिस्की कल्चर में कल्चरिंग की जाती है फिशेज की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि पाइसिस की, ओनली पाइसिस की कल्चरिंग की जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका एक्वाकल्चर एंड पिस्की कल्चर, और कुछ अदर एनिमल्स को भी कंसिडर किया जाता है, लॉबस्टर, ऑस्टर, क्रैब्स एंड प्रॉन्स, राइट? ये इंकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। अच्छा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया इज द सिक्स्थ मोस्ट राइट सी फूड प्रोडक्टिव नेचर। इज दैट क्लियर? नेशन, सॉरी नॉट नेचर, दिस इज नेशन, ठीक है? इंडिया जो है, इंडिया इज सिक्स मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन, सिक्स मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन इन केस ऑफ सी फूड। सी फूड प्रोड्यूस करने में इंडिया वर्ल्ड में छठी रैंक पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंसी को प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये इंडस्ट्री, जिसको आप फिशरीज कहते हैं। फिशेज जो होती है मेनली, जो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रेश वाटर की फिशेज के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एज इट इज, वो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में डाल देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें से फ्रेश वाटर फिश कौन सी है और मराइन वाटर फिश कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फिशेज होती है, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हैं जो कि विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। वैसे तो बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेज है, बट दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हो गया रोहू, कैटला, कॉमन कार्प, रोहू, कैटला, कॉमन कार्प भी कुछ फ्रेश वाटर फिशेज के एग्जाम्पल हैं, विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इसके अलावा कुछ मराइन वाटर फिशेज के भी एग्जाम्पल है, हिल्सा, सैडीनेस,
मैक कैरल स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, पंफ्रेट, राइट। तो ये हिल्सा सैडिनस मैक कैरल एंड पंफ्रेट, ये मराइन वाटर फिशेज हैं। तो दीज आर दी एग्जांपल्स विच आर गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, डायरेक्ट आंसर होता है। ये ऑप्शंस में पूछ दे देगा आपको और पूछेगा कौन सी मराइन वाटर है और कौन सी फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के जो एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, रोहू, कैटला एंड कॉमन कार्प। वहीं जो मराइन वाटर फिशेज के एग्जांपल है हिल्सा सैडिनस मैक कैरल एंड पॉम्फ्रेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी है फिशरीज के बारे में। फिशरीज का मतलब ये एक इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है एंड दिस इज द इंडस्ट्री डिवोटेड टू द एक्वेटिक एनिमल्स, खासकर फिशेज, राइट, डिवोटेड टू द कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज एंड इवन सेल एनिमल्स। सेल होते हैं ना जो मॉलस्कस होते हैं, उनको सेल एनिमल्स बोलते हैं। तो उसमें आता है आपका फिशरीज। यहाँ पे दो टाइप के कल्चर देखे जाते हैं, एक एक्वा कल्चर और दूसरा पिस्की कल्चर, राइट। एक्वा कल्चर मतलब दिस इज द कल्चरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इवन एंड इवन प्लांट एनिमल्स ऑल्सो। यहाँ पे अदर एनिमल्स को भी कंसिडर कर लिया जाता है इस इंडस्ट्री में, जैसे लॉबस्टर, ऑस्टर और इसके अलावा प्रॉन्स, क्रैब्स, ये भी सी फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो सी फूड प्रोड्यूस करने में इंडिया जो है वर्ल्ड में 6th पोजिशन पे आता है। इंडिया की 6th रैंक है वर्ल्ड में सी फूड को प्रोड्यूस करने में, सी फूड को बनाने में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और फ्रेश वाटर फिशेज के कुछ एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं, ये नीट में पूछे जाते हैं, राइट। तो फ्रेश वाटर फिशेज कौन सी है? रोहू, कॉमन कार्प एंड कैटला। वहीं मराइन वाटर फिशेज कौन सी है? हिल्सा सैडिनस मैक कैरल एंड पॉम्फ्रेट। इसके बाद मैं बात करता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ फिशरीज। फिशरीज से आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप यहां पे फिशरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आप फिशरीज के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, यानी कि फिशरीज से, फिशीज से, यानी कि डिफरेंट सी फूड से आपको क्या क्या, मेनली एक मेजर, एक अपने आप में एक फूड सोर्स है। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका कि जो फिशेज होती हैं ये हमारा सी फूड है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसको हम आए दिन अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो एवरीडे अपनी डाइट में सी फूड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फिशेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट वैरायटी की रेसिपीज तैयार की जाती है इन फिशेज से। प्रॉन की रेसिपीज तैयार की जाती है, हिल्सा की रेसिपीज तैयार की जाती है, मगूर की रेसिपीज तैयार की जाती है। यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दीज रेसिपीज ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश। तो यहाँ ये आपका एक मेजर फूड सोर्स है, ये आपकी रेसिपीज बनाते हैं, आपके लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन है, एक खाना है, राइट, जिसको आप बड़े चाव से खाते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिश से आप ऑप्टेन करते हो। आर यू गेटिंग और नॉट? कॉमर्शियल लेवल पे ऑप्टेन करते हो, डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स तैयार करते हो जो कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं फिशेज से। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको फिशरीज से, या फिशेज से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दो प्लीज। तो इसके बाद है सम बेनिफिट्स विच यू गेट फ्रॉम द फिश। जैसे कि यहां पे हम डिफरेंट फिश प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। फिश प्रोडक्ट्स में आता है फिश मील, फिश फ्लोर, इसके अलावा इसिन ग्लास बताऊंगा इसके बारे में मैं, राइट। फिश मील, फिश फ्लोर, इसिन ग्लास, ऐसे ही लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, सार्क लीवर ऑयल। तो जो फिश लीवर ऑयल है ये भी आप इस्तेमाल करते हैं, राइट, सार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, राइट, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा फिश लेदर और स्किन, ये भी एक प्रोडक्ट है, फिश लेदर का भी आप इस्तेमाल करते हैं बैग्स बनाने के लिए, कार्ड्स, केसेस बनाने के लिए, फिश लेदर एंड फिश स्किन, राइट। तो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं विच यू यूज, जो कि आप यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिश मील की बात कर लेता हूं। फिश मील,
फिश मील क्या होते हैं, राइट? फिश मील का इस्तेमाल करते हैं आप पोल्ट्री में या एनिमल्स के लिए, जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो एनिमल्स है एनिमल के फूड में मिक्स करने के लिए आप फिश मील का इस्तेमाल करते हैं, या पोल्ट्री फार्म्स में आप फिश मील का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मील इज मेनली यूज फॉर दी एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए, उनको खिलाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, या फिर पोल्ट्री में आप इस फिश मील का इस्तेमाल करते हो। ये जो फिश मील होता है ये हाईली प्रोटीन रिच होता है। ये जो फिश मील है ये फिश के जनरली उस पार्ट से बनाया जाता है जो कि नॉन एडिबल पार्ट्स होते हैं, लाइक फिन्स, टेल्स ऑफ फिश। फिन्स हो गया, उसकी टेल्स हो गई, जो कि हम नहीं कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे लिए नॉन एडिबल है। उन नॉन एडिबल पार्ट से राइट फिश मील तैयार किया जाता है, और उस फिश मील को आप डिफरेंट एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पोल्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिश मील, दिस इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो फिश मील होता है दैट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, दिस इज वेरी रिच, हाईली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट यू कॉल्ड फिश मील। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहां पे वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट, ये जनरली ऑप्टेन किया जाता है, ऑप्टेन फ्रॉम नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ फिश। फिश के जो नॉन एडिबल पार्ट्स होते हैं उनसे आप फिश मील को ऑप्टेन करने का काम करते हैं। ये जो नॉन एडिबल पार्ट्स हैं, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिन्स, टेल्स, ये सब स्केल्स, स्केल्स का इस्तेमाल नहीं करते, मेनली फिश और टेल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिन्स, टेल्स, जो मतलब एक्स वाई जेड जो भी नॉन एडिबल पार्ट्स होते हैं फिशेस के, उनसे आप फिश मील ऑप्टेन करते हो और इन फिश मील का इस्तेमाल करते हैं, राइट। This fish meal is a better diet for poultry and other domesticated animals. ये जो fish meal है, right? Non-edible parts से obtain किया जाता है, right? और खासकर ये नॉन एडिबल पार्ट्स निकलते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में जो कि फिश ऑयल निकालने का काम करती है। फिश ऑयल का हम लोग वाइड लेवल पे, वाइड स्केल में, स्केल पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी फैक्ट्रीज जो कि फिश ऑयल निकालती है, तो उनसे जो अदर पार्ट, जो वेस्ट बच जाता है फिशेज का, जो कि नॉन एडिबल पार्ट है, उस नॉन एडिबल पार्ट से ये फिश मील तैयार कर दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वह है फिश फ्लोर। फिश फ्लोर जो है, इस फिश फ्लोर को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, एक मेथड होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से फिश फ्लोर को ऑब्टेन किया जाता है, एंड दिस इज हाईली न्यूट्रिटिव फ्लोर। इज दैट क्लियर? दिस इज हाईली न्यूट्रिटिव फ्लोर। किसके लिए होता है ये? बच्चों को खिलाया जाता है, उनके लिए इजिली डाइजेस्टेबल होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर जो फिश फ्लोर है, तो अगर हम फिश फ्लोर की बात करें तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फिशेज, obtained from fishes by solvent extraction method. Solvent extraction method की help से fish floor को obtain किया जाता है, and this is mainly used for the infants, जो 3 से 4 महीने के infants होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि this is easily digestible. Easily digestible होता है, easily digest हो जाता है। Is that clear to all of you? इसलिए fish floor का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैंने अगला कौन सा प्रोडक्ट बताया? इसिन ग्लास। इसिन ग्लास का भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जो इसिन ग्लास है, आपने अगर एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे भी मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट इसिन ग्लास। तो मैं 2 बार डिस्कस करता हूँ आपके सिलेबस में, एक 11th क्लास में और दूसरा अभी 12th क्लास में फिशरीज में। और जब मैं वहां पे पाइसिस के बारे में डिस्कस करता हूँ वहां पे भी मैं फिश के सिग्निफिकेंस और प्रोडक्ट एक बार ही बता चुका होता हूँ 11th क्लास में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपका फिशरीज में भी आता है ये इसिन ग्लास क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसिन ग्लास जो है एक ग्लेटिनियस मटेरियल है, ये कोलेजन रिच होता है, इसमें कोलेजन प्रेजेंट होता है, और ये जो है एक जिलेटिनस मटेरियल है, या जिलेटिनस मटेरियल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे इसिन ग्लास जो है वो एक जिलेटिनस मटेरियल है, जिलेटिनस मटेरियल। तो आपको पता होगा जब आप कोलेजन को बॉयल करते हैं तो जिलेटिन बनता है,
Is that clear to all of you? तो ये this is the rich source of collagen. ये exactly क्या है? इसमें collagen होता है. आपने collagen पढ़ा होगा annular connective tissues में. Collagen produce होते हैं fibroblast cells से. तो collagen जो होता है, जब आप उसको boil करते हैं, तो gelatin नाम का substance बनाता है. तो ये collagen rich है और इसको आप gelatinous material कहते हैं. This is collagen rich, gelatinous material, and this is collagen rich. ये collagen rich होता है. This is collagen rich material. इसके अलावा इसिन ग्लासेस को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इसिन ग्लासेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो फिशेस में, पाइसिस में जो स्विम ब्लेडर्स होते हैं, इसको स्विम ब्लेडर से निकाला जाता है. आर यू गेटिंग ऑन नॉट? आपने पढ़ा होगा स्विम ब्लेडर, राइट? जितनी भी ऑस्टिक थाइस होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं, उसमें स्विम ब्लेडर्स होते हैं. तो स्विम ब्लेडर से इसिन ग्लासेस को ऑब्टेन किया जाता है. ऑब्टेन फ्रॉम स्विम ब्लेडर्स, इसको स्विम ब्लेडर से ऑब्टेन किया जाता है इसिन ग्लासेस को, राइट? इसका जो इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म सीमेंटिंग मटेरियल. तो सीमेंटिंग मटेरियल बनाने के लिए इसका काम किया जाता है, राइट? इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंटिंग मटेरियल बनाने के लिए. इवन इसका सबसे वाइडली जो यूज होता है फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ बियर एंड वाइन. बियर और वाइन आपने सुना होगा, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ बियर एंड वाइन. बियर एंड वाइन के क्लैरिफिकेशन के लिए जो बियर बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, बेवरेज होते हैं जहां पे सेटअप फर्मेंटर्स होते हैं, वाइन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनियां होती है, उसमें उनकी जो डिवाइसेस हैं वो इसिन ग्लासेस से बने होते हैं, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन में हेल्प करता है. किसकी? बियर एंड वाइन की क्लैरिफिकेशन में ये इसिन ग्लासेस हेल्प करता है. सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो इसिन ग्लास डेवलप करता है वो रशिया डेवलप करता है. पता होना चाहिए आपको, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो इसिन ग्लास डेवलप होता है वो रशिया में डेवलप होता है. रशिया इज द बेस्ट, राइट? बेस्ट रशिया इज द बेस्ट टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हाट? इसिन ग्लासेस. तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ इसिन ग्लासेस प्रोड्यूस इन बेस्ट क्वालिटी ऑफ इसिन ग्लास प्रोड्यूस बाय रशिया. सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट क्वालिटी का इसिन ग्लास जो प्रोड्यूस करता है वो रशिया प्रोड्यूस करता है. रशिया, समझ पता ही होगा आपको, रशिया, रूस भी बोलते हैं इसको हिंदी में. तो रशिया जो है वो बेस्ट क्वालिटी का इसिन ग्लास प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा नेक्स्ट इज फिश लिवर ऑयल की बात करते हैं. फिश लिवर ऑयल, इसका क्या यूज है ये आपको पता होना चाहिए. लिसन केयरफुली. फिश लिवर ऑयल, देखिए ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली. नेक्स्ट इज फिश लीवर ऑयल. फिश लीवर ऑयल, ये जो फिश लीवर ऑयल होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक कॉड लीवर ऑयल और दूसरा शार्क लीवर ऑयल. तो कॉड लीवर ऑयल एंड शार्क लीवर ऑयल दो मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं लीवर ऑयल. एंड ये जो लीवर ऑयल है, This is the rich source of vitamin A, D, E. Vitamin A, D, E. इन तीनों का ये एक rich source होता है. इसमें liver oil में A, D, E. ये तीनों ही fat soluble vitamin है. A, D, E. तीनों fat soluble vitamin है. और ये इसमें present होते हैं liver oil में. Is that clear to all of you? तो इस liver oil को extract किया जाता है. And this is the rich source of vitamin A, D, and K. जो कि fat soluble vitamin है. Right? So this liver oil, rich source of vitamin A, D and E, इन तीनों का रिच सोर्स है. तीनों ही फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं. E जो है वो ब्यूटी विटामिन भी है, राइट? तो लीवर ऑयल जो है ये इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी, फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है इस लीवर ऑयल का. इज दैट क्लियर? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट? एंड बिकॉज क्योंकि दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए डी ई. इज दैट क्लियर? समझ आया? तो ये जो है रिच सोर्स ऑफ
विटामिन ए डी ई, एंड इसका जो यूज होता है लिवर ऑयल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में होता है, फार्मास्यूटिकल्स बनाने में काम करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में काम करता है, कुछ न्यूट्रिटिव सिरप बनाने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए डी एंड ई, दिस इज फिश लिवर ऑयल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद अगला जो है हमारा वो है फिश लेदर और फिश स्किन, ये सिग्निफिकेंस और डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिश लेदर और फिश स्किन, फिश लेदर और फिश स्किन, फिश लेदर और फिश स्किन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसका, सैग्रीन। तो जो सैग्रीन है राइट, ये सार्क की स्किन से निकाला जाता है। किसे? सार्क की स्किन से निकाला जाता है सैग्रीन। सैग्रीन जो है ये ऑप्टेन किया जाता है शार्क की स्किन से। उनके जो स्केल्स होते हैं वो सैग्रीन, यानी कि उनका जो स्किन है उसमें स्केल्स होते हैं, सार्क की स्किन से निकाला जाता है सैग्रीन। और सैग्रीन का जो इस्तेमाल किया जाता है मेनली यूज फॉर राइट पॉलिशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशिंग और कवरिंग ऑफ वुड, कवरिंग ऑफ वुड, वुड की कवरिंग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है इनका जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग टोबैको पाउच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राइट, स्कैबर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्कैबर्ड्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बॉक्स की जो स्किन होती है उसको बनाने के लिए काम किया जाता है इसका, ज्वेलरी बॉक्स बनाने में भी ये काम आता है राइट, कार्ड केसेस बनाने में भी इसका काम आता है। इज दैट क्लियर? तो ये फिश लेदर है, फिश स्किन है, जो कि ये काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो कि आप फिश से ऑब्टेन करते हो, इसलिए यहाँ पे फिशरीज अपने आप में एक इनकम जनरेट इंडस्ट्री मानी जाती है, इससे आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशरीज। अब मैं एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट फिशरीज राइट, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द कल्चरिंग ऑफ फिश। फिश का कल्चर आप कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए राइट, फिशरीज कल्चर राइट। तो कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से आप कल्चरिंग करते हैं ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा रहा हूं यहाँ पे, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट आप किसी वाटर बॉडी का इस्तेमाल करके वहां पे फिश प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो मैं उसी कल्चर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यानी कि फिश कल्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिश कल्चर किस तरीके से डेवलप किया जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज फिश कल्चर या पिस्की कल्चर भी आप बोल सकते हैं। तो इसको आप कल्चरिंग कैसे करते हैं, फिश कल्चर को मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली क्या किया जाता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले फिश कल्चर में किया जाता है हाइपोफाइसिएशन। क्या किया जाता है? हाइपोफाइसिएशन। हाइपोफाइसिस आपने पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो फिश कल्चर में सबसे पहला जो स्टेप है हमारा हाइपोफाइसिएशन। हाइपोफाइसिएशन बोलते हैं इसको। हाइपोफाइसिएशन में क्या करते हैं, हाइपोफाइसिएशन में पिट्यूटरी ग्लैंड से LH एंड FSH को एक्सट्रैक्ट करके राइट फिश के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो हाइपोफाइसिएशन में क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट द हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिएशन। फिश की पिट्यूटरी ग्लैंड से LH एंड FSH निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट द हार्मोन्स राइट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट द हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इंट्रोड्यूस इन फिश। तो फिश में जो हार्मोन इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हाइपोफाइसेशन बोलते हैं, याद रहे।
किसी पिट्यूटरी ग्लैंड से आपने LHFSH को निकाला, फिश में इंट्रोड्यूस किया, फिश में जो अप्लाई किया उसको हाइपोफाइसेशन कहेंगे। निकालने को हाइपोफाइसेशन नहीं कहेंगे, निकाल के यूज करने को हाइपोफाइसेशन कहेंगे, इस बात को याद रखना। तो एक्सट्रैक्ट द हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द फिश, फिश में उसका इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है, इसको हाइपोफाइसेशन बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे हाइपोफाइसेशन किया जाता है, ये कौन से हॉर्मोन्स का हाइपोफाइसेशन किया जाता है, ये किया जाता है LH हार्मोन को का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और FSH हार्मोन का यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, यहाँ पे हाइपोफाइसेशन किया जाता है। LH और FSH का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जिससे कि फिश ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सके, राइट। ये जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, ये हार्मोन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट, किसमें, एक फिश के कल्चर में ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। और जिसकी वजह से वो क्या करता है, दीज हार्मोन सबसे पहले हाइपोफाइसेशन किए जाते हैं, LH एंड FSH इंट्रोड्यूस किया जाता है, LH एंड FSH इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसमें बेटा, इंट्रोड्यूस करने के बाद यहां पे वन मेल फिश को और टू फीमेल फिश को इंट्रोडक्शन करने के बाद, ये हार्मोन इंट्रोड्यूस करने के बाद, इसको आप हाइपोफाइसेशन बोलते हैं। हाइपोफाइसेशन करने के बाद एक मेल फिश को और दो फीमेल फिश को छोड़ दिया जाता है ब्रीडिंग हप्पा में, ब्रीडिंग हप्पा यानी कि ब्रीडिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले दो मेल फिश का, दो फीमेल फिश का और एक मेल फिश का हाइपोफाइसेशन किया जाता है, और उस फीमेल्स को आप ब्रीडिंग हप्पा में छोड़ देते हैं। ब्रीडिंग हप्पा में फीमेल फिश के एग्स जो है फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फीमेल फिश और एक मेल फिश को क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे मेल फिश इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीडिंग, फॉर द कॉपुलेशन, फॉर द इंटरकोर्स विद द फीमेल। तो वन मेल इज इनफ टू इंटर, वन मेल इज इनफ फॉर द इंटरकोर्स, राइट, विथ टू फीमेल्स। तो इसमें जनरली क्या किया जाता है ब्रीडिंग हप्पा में, ब्रीडिंग हप्पा क्या है, एक कंटेनर होता है, बैम्बू से बना कंटेनर होता है, ये मैं लिख देता हूं। ब्रीडिंग हप्पा क्या है, दिस इज द कंटेनर ऑफ बैम्बू, बैम्बू से बना एक कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो सबसे पहले आपने LH एंड FSH को इंट्रोड्यूस किया मेल फिश और फीमेल फिश के अंदर, खासकर फीमेल फिश में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वहाँ पे ब्रीडिंग हप्पा के अंदर डाल दिया जाता है। ब्रीडिंग हप्पा के अंदर डालने के बाद वहाँ पे सारे के सारे एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, राइट। एग्स फर्टिलाइज होने के बाद, राइट, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्पॉनिंग कहते हैं। यहाँ पे ब्रीडिंग हप्पा में स्पॉनिंग टेक प्लेस करती है, क्या टेक प्लेस करती है, स्पॉनिंग टेक प्लेस करती है, और स्पॉनिंग टेक प्लेस करने के बाद यहाँ पे बन जाते हैं हैचलिंग, क्या बन जाते हैं, हैचलिंग बन जाते हैं। आपको फिशेज की सारी स्टेज पता होना चाहिए, स्टेजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिश की जो पहली स्टेज होती है हैचलिंग होती है, हैचलिंग के बाद आता है, सॉरी, फर्स्ट स्टेज इज एग, फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग, राइट, के बाद बनता है हैचलिंग। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, फर्टिलाइज एग्स, फर्टिलाइज एग्स के बाद बनते हैं हैचलिंग, हैचलिंग के बाद बनता है फ्राई, फ्राई के बाद बनता है फिंगरलिंग्स, और फिंगरलिंग्स के बाद बनता है एडल्ट। ये फिंगरलिंग स्टेज को आप जुवेनाइल ऑफिस भी कहते हैं। तो हाइपोफाइसेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपने LH एंड FSH को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद LH एंड FSH किस लिए रिक्वायर्ड है, वो इसलिए रिक्वायर्ड है जिससे कि फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर सके। वहाँ पे राइट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज एग बनेंगे, राइट, उन फिशेज को आपको किसमें डालना है, ब्रीडिंग हप्पा में, क्योंकि वहाँ पे वो ब्रीडिंग करेंगे। तो ब्रीडिंग हप्पा क्या है, बैम्बू से बना एक कंटेनर होता है जिसके अंदर उन फिशेज को आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे स्पॉनिंग टेक प्लेस करती है, स्पॉनिंग टेक प्लेस करने के बाद एग्स फर्टिलाइज होते हैं, और एग्स फर्टिलाइज होने के बाद वहाँ पे हैचलिंग डेवलप होते हैं। एग से, फर्टिलाइज एग से सबसे पहली जो स्टेज डेवलप होती है फिशेज की, वो हैचलिंग वाली स्टेज होती है। उन हैचलिंग्स को आप हैचरी में डाल देते हो, किसमें, हैचरी में डाल देते हैं। हैचलिंग को आपने
हैचरी में डाल दिया, पहला ब्रीडिंग अप्पा में डाला था, इसके बाद दूसरा कंटेनर क्या है आपका हैचरी, राइट। ये छोटी वाटर बॉडी होती है, हैचरी में डाल दिया जाता है, हैचरी में ये बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फ्राई वाली स्टेज में, राइट। दीज आर दी स्टेज, स्टेजेस को मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे, हैचलिंग के बाद क्या बन गया फ्राई, राइट। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने एग वाला स्टेप तो मिस कर ही दिया है, उसको आप दोबारा से लिखिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों मिलके एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, इनकी स्पॉनिंग होती है, स्पॉनिंग के बाद बन जाते हैं हैचलिंग, हैचलिंग बनते हैं, ये फर्टिलाइज एग फर्स्ट स्टेज। हैचलिंग के बाद उनको हैचरी में डाल दिया जाता है, पहला क्या था आपका ब्रीडिंग अप्पा था, उसके बाद उनको हैचरी में डाल दिया, हैचरी में डालने के बाद वहां पे वो डेवलप हो जाते हैं फ्राई में। फ्राई में एग्जैक्टली क्या होता है, हैचरी सबसे पहली स्टेज होती है, राइट। उनमें टेल्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, फ्राई में माउथ डेवलप हो जाता है, फ्राई में जो माउथ डेवलप होता है एट दी थर्ड डे, थर्ड डे पे माउथ डेवलप होता है, फिशेज में नॉर्मली तीसरे दिन फ्राई डेवलप हो जाती है, राइट। उन फ्राइज को, ये जो फ्राई है, राइट, हैचरी को आप यहाँ पे नर्सरी पॉन्ड भी बोलते हैं, ये इनिशियल लेवल का पॉन्ड होता है, नर्सरी पॉन्ड सबसे पहले लेवल का जो पॉन्ड होता है वो नर्सरी पॉन्ड होता है। तो नर्सरी पॉन्ड या हैचरी में डाल दिया जाता है, उसके बाद फ्राई को किस में डाल दिया जाता है, फ्राई जो है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है रियरिंग पॉन्ड में, किसमें बेटा रियरिंग पॉन्ड में, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन और दिस इज थर्ड वन। और जैसे ही वो रियरिंग पॉइंट में जाती है तो उनकी एक जुवेनाइल स्टेज डेवलप हो जाती है जिसमें कि फिन्स वगैरह निकल जाते हैं, उनको आप फिंगर लिंक्स बोलते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं फिंगर लिंक्स। तो रियरिंग पॉइंट्स में डेवलप होती है फिंगर लिंक्स, राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आया। और फिंगर लिंक से को जो है, जब रियरिंग पॉइंट में फिंगर लिंक डेवलप हो जाती है, उसके बाद वो जो है एडल्ट में जब वो कन्वर्ट होती हैं, इन फिंगर लिंक्स को स्टॉकिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है, स्टॉकिंग पॉन्ड में सबसे लास्ट में डाला जाता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और स्टॉकिंग पॉन्ड्स में ये एडल्ट बन जाती हैं। तो बेटा ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से याद करना है, राइट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले दो फीमेल फिश सेलेक्ट करनी है, एक मेल फिश सेलेक्ट करनी है, उनका हाइपोफाइसेशन करना है, हाइपोफाइसेशन मतलब उनमें LH एंड FSH को इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करेंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फर्टिलाइज एग जो है वो अपनी पहली स्टेज में आएगा जिसको आप बोलते हैं हैचलिंग, इस प्रोसेस को स्पॉनिंग भी कहा जाता है। तो हैचलिंग को, राइट, फिशेज को आपने किस में इंट्रोड्यूस किया था, ब्रीडिंग हप्पा में इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक बैम्बू का कंटेनर होता है, उनके एग्स को आपने ब्रीडिंग हप्पा में डाला, इज दैट क्लियर। एग्स कहाँ बने, ब्रीडिंग हप्पा में डाले नहीं है, वहां पे एग्स ब्रीडिंग हप्पा में बने हैं, या कभी कभी ऐसा भी आप करते हैं कि डायरेक्टली एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज का फिश की जगह पे आप डायरेक्टली एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग हप्पा में एग्स फर्टिलाइज बने, तो सबसे पहले आपने हाइपोफाइसेशन किया, LH एंड FSH को इंट्रोड्यूस किया, वन मेल फिश एंड टू फीमेल फिश में, ये काम कहाँ किया, ब्रीडिंग हप्पा, राइट, इनको हाइपोफाइसेशन करने के बाद ब्रीडिंग हप्पा में डाला, वहां पे उनके जो एग्स हो गए वो फर्टिलाइज हो गए, राइट, फर्टिलाइज होने के बाद स्पॉनिंग के बाद वो हैचलिंग में कन्वर्ट हुए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ फिश इज एग, उसके बाद हैचलिंग। हैचलिंग को आपने किस में डाला, नर्सरी पॉन्ड में डाला, राइट, नर्सरी पॉन्ड में डाला, किसको, हैचलिंग को, किसमें, नर्सरी पॉन्ड में डाला, उसको हैचरी भी कहते हैं, नर्सरी पॉन्ड को यहाँ पे। और नर्सरी पॉन्ड में क्यों डाला, नर्सरी पॉन्ड में उसके लिए प्रॉपर अमाउंट में आपको फूड अवेलेबल कराना है, वहां पे नर्सरी पॉन्ड में एल्गल कंटेमिनेशन को रोकना है, नर्सरी पॉन्ड में आपको प्रोवाइड करने हैं जू प्लांकटन जिसपे की वो फीड करती हैं, इज दैट क्लियर, जू प्लांकटन या फाइटो प्लांकटन जिसपे की फिश जो है फीड करती हैं, इज दैट क्लियर। अब हैचलिंग के बाद जो अगली स्टेज डेवलप होगी वो फ्राई में डेवलप होगी, किसमें, नर्सरी पॉन्ड में, फ्राई बन गए, अब उन फ्राई को निकाल के रियरिंग पॉन्ड में डाल दिया, ठीक है, रियरिंग पॉन्ड में जाने के बाद वो फिंगर लिंक्स में डेवलप हो जाते हैं, फ्लो चार्ट आप अच्छे से पढ़िएगा, और फिंगर लिंक्स जो हैं, राइट, उनको निकाल के आपने एट द एंड स्टॉकिंग बॉन्ड में डाल दिया जहां पे कि वो अडल्ट में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशरी, फिश कल्चर। तो मैं यहां पे एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, एक फ्लो चार्ट और मैं आपको बता देता हूं। ये फ्लो चार्ट मैंने बताया किसका, स्टेजेस ऑफ फिशेज का,
तो एक चीज और मैं यहीं पे साइड इसी के साथ लिख देता हूं, तो फर्टिलाइज एग्स कहां बनते हैं? ब्रीडिंग हप्पा में, राइट। यानी कि ये एक बैम्बू का कंटेनर होता है। हैचलिंग्स बन गए, हैचलिंग्स को आपने किस में डाला? नर्सरी पॉन्ड में, राइट। नर्सरी पॉन्ड या फिर ये कहिए हैचरीज में आपने उसको डाल दिया। नर्सरी पॉन्ड पॉन्ड की क्वालिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दूं, एल्गल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, एल्गल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ एल्गल कंटेमिनेशन। इसमें फाइटो प्लांक्टन्स होने चाहिए जो कि जिनपे की ये फीड करती हैं। फाइटो प्लांक्टन्स के बाद इसमें जू प्लांक्टन्स भी होने चाहिए जिनको ये फीड करती हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद फ्राई आ जाता है। फ्राई को आप डालते हैं रियरिंग पॉन्ड में। रियरिंग पॉन्ड में फ्राई फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है और इन फिंगरलिंग्स को रखा जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड्स में। तो ये स्टेज और ये पॉन्ड्स के बारे में पूछने के लिए एग्जाम में आ जाता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फिश कल्चर एंड फिशरीज। इसके साथ फिशरीज इज डन। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है, राइट, सीरी कल्चर, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखते हैं सीरी कल्चर। ध्यान दीजिएगा सीरी कल्चर पे। वॉट इज सीरी कल्चर एग्जैक्टली? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस सीरी कल्चर। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क। वो इंसेक्ट जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है। सिल्क के बारे में आपने सुना होगा, सिल्क एक फाइबर होता है, एक रेशा होता है जिससे कि सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, राइट। सिल्क की सबसे ज्यादा हमारी सोसाइटी में सिल्क की साड़ियां बहुत जो है प्रचलित है, राइट। महिलाएं जो है सिल्क की साड़ियां पहनती है। सिल्क जो है उसकी ग्लोसी के लिए जाना जाता है, यानी कि उसमें से जो निकलने वाली जो चमक है, ये एक चमकदार कपड़ा बनाता है। चमकदार कपड़े को तैयार करते हैं हम सिल्क फाइबर से। जैसे कॉटन फाइबर होता है ऐसे ही सिल्क फाइबर होता है। कॉटन फाइबर जो है हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन के प्लांट से। लेकिन जो सिल्क ऐसा फाइबर है ये नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, इसको ऑब्टेन करते हैं हम सिल्क मॉथ से। सो द मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ और द सिल्क इंसेक्ट टू प्रोड्यूस दी सिल्क। सिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए जो सिल्क का मैनेजमेंट किया जाता है, सिल्क मॉथ का जो मैनेजमेंट किया जाता है, सिल्क बनाने वाले इंसेक्ट का जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसे आप सीरी कल्चर कहते हैं। सीरी कल्चर में हमारी कंट्री इंडिया थर्ड नंबर पे आती है। जैसे मैंने आपको फिशरीज बताया था, पिस्की कल्चर में इंडिया, सी फूड प्रोडक्शन में इंडिया सिक्स पोजीशन पे आती है, बट सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे आती है। थर्ड रैंक, कितनी रैंक पे आती है? थर्ड रैंक पे आती है हमारी कंट्री। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे सीरी कल्चर क्या है? दिस इज द मैनेजमेंट, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ और इंसेक्ट फॉर सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन भी इकोनॉमी जनरेट करने में हेल्प करता है, राइट। और इंडिया जो है सिल्क प्रोडक्शन में सीरी कल्चर में तीसरे नंबर पे आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज ऑल्सो एन इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। ये भी इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इन इंडिया। इवन इंडिया जो है थर्ड नंबर पे आता है इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं ये मेनली कितने टाइप के होते हैं आपको पता होना चाहिए। मेनली तो इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मलबरी सिल्क एंड नॉन मलबरी सिल्क। इज दैट क्लियर? ऐसे सिल्क मॉथ, राइट, जो कि मलबरी लीव्स को फीड करते हैं, उनको आप उनसे निकलने वाला जो सिल्क है वो मलबरी सिल्क है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिल्क है वो नॉन मलबरी सिल्क है। बट यहां पे मेनली फोर कैटेगरीज होती है सिल्क की, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। टाइप्स ऑफ सिल्क, जो टाइप्स ऑफ सिल्क है उसमें आता है टैसर, मूगा, मलबरी, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, इरी सिल्क, इसको अरंडी सिल्क भी बोलते हैं। तो टोटल फोर टाइप्स के सिल्क है, टैसर, मूगा, इरी एंड मलबरी, राइट। मलबरी जो है, मलबरी सिल्क बहुत ही पॉपुलर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
हम टैसर सिल्क की बात करते हैं, जो टैसर सिल्क है ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ओक फीडिंग लार्वा। एक ओक फीडिंग लार्वा, ओक ट्री होता है, ओक ट्री को फीड करता है सिल्क मोथ, राइट। तो ऐसे सिल्क मोथ से टैसर सिल्क निकाला जाता है। एंड ये जो टैसर सिल्क है, इसका जो नेटिव प्लेस है वो है इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना में टैसर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे टैसर सिल्क, राइट, ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ओक फीडिंग लार्वा। ओक फीडिंग लार्वा ओक ट्री की लीव्स को फीड करता है, ओक फीडिंग लार्वा से ऑब्टेन किया जाता है टैसर सिल्क, राइट। और दिस इज द नेटिव फॉर इंडिया एंड चाइना, नेटिव फॉर इंडिया एंड चाइना। ये इंडिया और चाइना के लिए एक नेटिव सिल्क है, यानी कि इंडिया और चाइना इसका ओरिजिन है। टैसर सिल्क की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा कौन सा है, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। टाइप ऑफ सिल्क में एग्जाम में भी नहीं आता, जो जनरली पूछा जाता है वही मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद दूसरा कौन सा है, मूगा सिल्क। मूगा सिल्क की क्या पहचान है? मूगा सिल्क जो होता है, ये सिल्क बहुत ही चमकदार होता है, राइट। इसकी चमक के लिए इसको बहुत जाना जाता है। और ये जो सिल्क है, इसका सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। मूगा सिल्क का इस्तेमाल किस में ज्यादा किया जाता है? दिस इज वेरी ग्लॉसी, ये बहुत ही चमकदार होता है, इसकी चमक के लिए मूगा सिल्क जाना जाता है, राइट। एंड दिस इज यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, जिसको आप मूगा सिल्क कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ईरी और अरंडी सिल्क। अरंडी एक पेड़ होता है जिसको आप बोलते हो कैस्टर ट्री। तो इसका जो लार्वा होता है वो कैस्टर फीडिंग लार्वा होता है, और कैस्टर को हिंदी में अरंडी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इसलिए सिल्क को अरंडी सिल्क भी कहते हैं या ईरी सिल्क भी कहते हैं। इसका जो कोकून होता है, कोकून फॉर्मेशन के टाइम पे सिल्क बनता है, तो कोकून फॉर्मेशन होता है, कोकून फॉर्मेशन की वजह से सिल्क बनता है। इसका जो कोकून होता है वो या तो व्हाइट कलर का होता है या फिर येलो कलर का होता है, राइट। और इसमें जो कोकून में स्पनिंग होती है, स्पन ऑफ कोकून, स्पाइनिंग भी बोलते हैं, तो स्पिनिंग ऑफ कोकून जो होता है वो कॉटन की तरह होता है। इसका जो थ्रेड है वो कॉटन की तरह होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इरी और अरंडी सिल्क, तो इरी और अरंडी सिल्क की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो इरी और अरंडी सिल्क है, राइट राइट, दिस सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम, इसको ऑब्टेन किया जाता है कैस्टर फीडिंग लार्वा से। कैस्टर एक पेड़ है, कैस्टर फीडिंग लार्वा से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और इसका जो कोकून होता है, कोकून जो होता है इसका, या तो व्हाइट होता है या येलोइश होता है। कोकून के कलर पे सिल्क का कलर डिपेंड करता है, व्हाइट और येलोइश होता है। और इसमें मिलने वाला जो सिल्क होता है वो कॉटन लाइक होता है, जिस तरीके से कॉटन है उसी तरीके से कॉटन थ्रेड की तरह इसकी थ्रेड्स होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हो गया इरी और अरंडी सिल्क। इसके बाद क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब हम सीरीकल्चर को डिटेल में, किस तरीके से आप सीरीकल्चर को परफॉर्म करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्लो चार्ट की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको पिस्की कल्चर में बताया था, ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको सीरीकल्चर में बता रहा हूँ। फ्लो चार्ट की हेल्प से बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, सो लिसन केयरफुली। तो इसको आप परफॉर्म कैसे करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एक फ्लो चार्ट के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। यहां पे एग्जैक्टली कैसे करते हैं हम सीरीकल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट, जो सिल्क वॉर्म का जो अडल्ट है, That lay the eggs, एक बार में 300 से 500 eggs produce करता है silk worm, right? तो silk worm है वो जो है
यहां पे इसमें आपको लाइफ हिस्ट्री भी पता चल जाएगी। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, लाइफ हिस्ट्री में कितनी स्टेज होती है सिल्क वर्म के, ये भी एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी स्टेज में वो कोकून फॉर्मेशन करता है, कौन सी स्टेज में वो सिल्क बनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, तो इसकी लाइफ हिस्ट्री से पूरा आइडिया लग जाएगा। हम लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं, लाइफ हिस्ट्री में जो मेजर स्टेजेस हैं, पहला एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद अडल्ट, इसकी मेजर फोर स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। इज दैट क्लियर? यहां पे हम इसकी लाइफ हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट इधर देखिएगा, लिसन केयरफुली, देखिए प्लीज लिसन टू मी। सबसे पहले क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है लेड द एग्स ऑन ए सीट और ए पेपर, ऑन ए सीट ऑफ पेपर, तो एक पेपर सीट पे सिल्क वॉर्म अंडे लेद कर देता है, ले द एग्स ऑन पेपर सीट, तो दे ले द एग्स ऑन पेपर सीट और सीट ऑफ पेपर, लेट द एग्स ऑन ए सीट ऑफ पेपर, व्हेन इट विल लेट द एग्स ऑन सीट ऑफ पेपर, जब ये सीट ऑफ पेपर पे अंडे देता है, ले द एग्स ऑन सीट ऑफ पेपर, तो उससे क्या होगा, कितने एग्स प्रोड्यूस करता है, अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 eggs। Is that clear? तो 300 से 500 eggs produce करता है ये एक बार में। तो एक paper sheet पे ये अपने अंडे दे देता है 300 से 500। अब इन अंडों को क्या करते हैं हम? इन अंडों को हम right एक freezing point पे यानी कि cold temperature पे 6 week तक रखते हैं। Is that clear to all of you? 6 week तक, right? These eggs at cold temperature पे रखा जाता है। उसके बाद आफ्टर 6 week इन एग्स को राइट, ये एग्स जो है ड्राइड एग्स बन जाते हैं और इन ड्राइड एग्स को वॉश कर दिया जाता है, ड्राइड एग्स को वॉश कर दिया जाता है आफ्टर 6 week। तो 6 week तक इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और 6 week के बाद राइट ये ड्राई हो जाते हैं और इनको पानी से साफ कर दिया जाता है, वाटर से इनकी क्लीनिंग की जाती है, साफ किया जाता है। वाटर से क्लीनिंग करने के बाद, वॉश करने के बाद राइट इनकी जो है हैचिंग हो जाती है। उसके बाद इनकी हैचिंग कराते हैं, हैचिंग करते टाइम राइट इनको जो है हैचिंग करने के बाद ये सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिल्क वॉर्म बन जाता है हैचिंग करने के बाद। अभी जो सिल्क वॉर्म है इट फीड्स ऑन मलबरी लीव्स या किसी भी ट्री लीव्स पे ये फीड करता है, ठीक है। अभी सिल्क वॉर्म राइट कन्वर्ट होता है, अंडरगोज इन फोर्थ स्टेज में जाता है। फोर्थ स्टेज में जाने के बाद ये कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कोकून राइट। अभी जो कोकून है, इज दैट क्लियर, ये कोकून फॉर्मेशन बना करता है। कोकून फॉर्मेशन में होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेज पे इसमें कोकून फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है, एट द फोर्थ स्टेज कोकून फॉर्मेशन। तो यहां पे सिल्क वॉर्म में मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग की टोटल 5 स्टेज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टोटल स्टेज कितनी होती है, 5 स्टेज, और फोर्थ स्टेज में कोकून फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल है, सबसे पहले ये जो इंसेक्ट है लेडी एग्स ऑन ए पेपर सीट 300 से 500 एग्स प्रोड्यूस करता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं 6 वीक्स के लिए, और कोल्ड स्टोरेज में से 6 वीक्स के बाद उसको निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद उसको ड्राई करके वॉश कर दिया जाता है, और उसके बाद राइट उसकी हैचिंग हो जाती है, फिर वो सिल्क वॉर्म बनाता है। वो सिल्क वॉर्म जो है अंडरगोज इन राइट
मोल्टिंग स्टेज। जैसे ही वो फोर्थ स्टेज में जाता है, ये सिल्क वॉर्म साथ के साथ मलबरी लीव्स को फीड भी करता रहता है। जैसे ही वो फोर्थ स्टेज में जाता है, वैसे ही कोकून फॉर्मेशन होती है। कोकून फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इस सिल्क वॉर्म के मौत में, इस सिल्क मौत में कोकून फॉर्मेशन के लिए दो ग्लैंड्स होती हैं, राइट। इन ग्लैंड्स को आप बोलते हैं स्पाइनेरिट ग्लैंड्स। तो स्पाइनेरिट ग्लैंड्स होती हैं, ये दो टाइप की होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। फॉर द कोकून फॉर्मेशन दे पोसेस टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फॉर कोकून फॉर्मेशन, कोकून के बारे में बताऊंगा। कोकून फॉर्मेशन के लिए इनके पास पोसेस होती है, दे पोसेस टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो दो डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स को पोसेस करते हैं। इन ग्लैंड्स को आप क्या कहते हैं, राइट, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। इस ग्लैंड का कॉमन नेम है स्पाइनेरिट ग्लैंड्स। स्पाइनेरिट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये स्पाइनेरिट ग्लैंड कितने टाइप की है, इसको स्पिनेरिट ग्लैंड भी बोल देते हैं। स्पिनेरिट ग्लैंड जो है, राइट, इसमें दो स्पिनेरिट ग्लैंड होती है, राइट, फर्स्ट स्पिनेरिट ग्लैंड एंड सेकेंड स्पिनेरिट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड पेयर में होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्पिनेरिट ग्लैंड। तो जो फर्स्ट स्पिनेरिट ग्लैंड है, ये इस फिब्रोइन को बनाती है। फिब्रोइन यानी कि जो सिल्क थ्रेड बाद में सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रोइन प्रोड्यूस करती है। ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, ये फिब्रोइन प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। जैसे ही फिब्रोइन प्रोटीन वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और ये टू थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी थ्रेड्स बनती है इस फिब्रोइन से, टू थ्रेड्स बनती है इस फिब्रोइन से एयर में एक्सपोज होने के बाद। तो पहली जो स्पिनेरिट ग्लैंड है वो फिब्रोइन प्रोटीन को बनाती है, और वो फिब्रोइन प्रोटीन जब एयर से एक्सपोज करता है तो वो ड्राई होने के बाद टू थ्रेड्स डेवलप करता है। यही टू थ्रेड्स बाद में इनको हम वीविंग करके सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, सिल्क क्लॉथ को डेवलप करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्पिनेरिट ग्लैंड जो है, ये सेकेंड स्पिनेरिट ग्लैंड एक दूसरे सब्सटेंस को निकालता है जिसको आप सेरीसिन कहते हैं। The second spinneret gland produces another substance that you call sericin. ये sericin क्या है? एक gummy substance होता है। ये क्या है? एक gummy substance होता है, और ये gummy substance क्या करता है? Protect to these two threads. इन दोनों threads को या cocoon को, right? इस cocoon में ये gummy substance होता है और ये दो thread होती है। Cocoon क्या है? Suppose that ये moth है। ये moth है, right? फोर्थ स्टेज में इसके सराउंडिंग में ये दो थ्रेड डेवलप हो गई हैं, फिब्रोइन की जो दो थ्रेड है, राइट, एग्जैक्टली बाद में ये क्या होता है, राइट, तो ये जो थ्रेड्स डेवलप हो गई हैं, ये कोकून से प्रोटेक्टेड हो जाता है ये, राइट, और इसके साथ ये कोकून फॉर्मेशन में दो ग्लैंड हेल्प करती हैं, जो एक जो कि फिब्रोइन निकालती है, और दूसरी जो कि सेरिसिन निकालती है, गमी सब्सटेंस है, प्रोटेक्ट दी बोथ थ्रेड्स, प्रोटेक्ट दी कोकून, कोकून को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो कोकून में फिब्रोइन होता है, सेरिसिन होता है। फिब्रोइन से दो थ्रेड बनती है, ये थ्रेड काफी लॉन्ग होती है, और सेरिसिन जो है, राइट, ये गमी सब्सटेंस है, इन थ्रेड्स को या कोकून को प्रोटेक्ट करता है। कोकून फॉर्मेशन के बाद उसकी अगली जो स्टेज डेवलप होती है सिल्क मोथ की, उसको आप प्यूपा कहते हैं, राइट। जैसे इस कोकून को बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है, ये क्यूका डाई कर जाता है, मर जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो कोकून फॉर्मेशन हमने देख लिया, कोकून फॉर्मेशन के टाइम पे ही सिल्क फॉर्मेशन होती है, ये लाइफ साइकिल है, राइट। इसके कोकून फॉर्मेशन के बाद प्यूपा बनेगा, लेकिन प्यूपा जो है वो कोकून के अंदर ही रह जाता है, और जब उस कोकून को आप बॉइल्ड वाटर में डालते हैं वो प्यूपा डाई आउट हो जाता है। प्यूपा क्या हो जाता है? डाई आउट। ये तो ये लाइफ हिस्ट्री का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री में फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि यहां पे सबसे पहले सिल्क मौत अंडे देता है, ले दी एग्स ऑन पेपर सीट 300 to 500, फिर उसको हम कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं 6 weeks के लिए। उसके बाद उसको ड्राई करके वॉश किया जाता है, राइट, उसको डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है, मलबरी लीव्स को फीड करने लग जाता है, सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें फोर्थ स्टेज, उसमें सिल्क वॉर्म में मोल्टिंग टेक प्लेस करती है, और जैसी मोल्टिंग टेक प्लेस करती है सिल्क वॉर्म में, तो फोर्थ स्टेज में कोकून बनता है। कोकून में दो कंपोनेंट होते हैं, फिब्रोइन एंड सेरिसिन। इसको स्पिनेरिट ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। दो टाइप की स्पिनेरिट ग्लैंड है, स्पिनेरिट ग्लैंड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ग्लैंड प्रोड्यूस फिब्रोइन प्रोटीन, जब वो एयर से एक्सपोज होता है तो टू ड्राई थ्रेड्स बना देता है। इसके बाद जो यहां पे सेकंड ग्लैंड है वो सेरिसिन बनाती है, जो कि गमी सब्सटेंस है, और वो इस थ्रेड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका सेरिकल्चर, इज दैट क्लियर? तो एक बात और, कुछ पॉइंट्स और है यहां पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, राइट।
उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। इसके बाद है क्या बता रहा था, इसके बाद में जो प्यूपा है आफ्टर फोर्थ स्टेज इट कन्वर्ट इनटू द प्यूपा, और प्यूपा किसमें कन्वर्ट होगा, वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। प्यूपा रिमेन इन कोकून, राइट। प्यूपा जो है वो कोकून में रहता है, इज दैट क्लियर। व्हेन कोकून इंट्रोड्यूस इन बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है तो प्यूपा क्या हो जाता है, विल डाई, प्यूपा जो है डाई हो जाएगा, ठीक है। बॉइल्ड वाटर में डाल के, कोकून को बॉइल्ड वाटर में डाल के इससे थ्रेड्स को सेपरेट कर लेते हैं और थ्रेड्स को हम वीविंग करते हैं। वीविंग करने के बाद, ठीक है, इसके बाद सेपरेट दी सिल्क थ्रेड। इस सिल्क थ्रेड की जो लंबाई होती है 600 से 900 मीटर होती है। ये यहां पे प्यूपा लार्वा है, सॉरी ये प्यूपा है, और इसके सराउंडिंग में सिल्क मोथ इस तरीके से अपने आप को रैप करता है। अगर आप इस सिल्क सिल्क इस थ्रेड को निकाल के देखते हैं तो इसकी जो लेंथ है लगभग 600 से 900 मीटर तक लंबा होता है ये सिल्क थ्रेड, याद रखिएगा, सेपरेट दी सिल्क थ्रेड। और ये सिल्क थ्रेड क्या है, 600 से 900 मीटर लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद हम इस सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करके वीविंग ऑफ क्लोथ्स करते हैं, ठीक है। ये सिल्क थ्रेड से एग्जैक्टली यहाँ पे जो सेरिसिन का गमी मटेरियल है वो अभी भी चिपका रह जाता है। तो वीविंग करने के बाद, ठीक है, कपड़े बनाने के बाद उस क्लोथ्स को हम डी गमिंग करने का काम करते हैं। डी गमिंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही वीविंग किया सिल्क थ्रेड का वीविंग करने के बाद जो आपने कपड़ा बनाया है उस कपड़े को आप बॉइल वाटर में डालते हैं जिससे कि उससे गम सेपरेट हो जाए, जो सेरिसिन है वो सेपरेट हो जाए, राइट, वो गम फ्री हो जाए, इज दैट क्लियर। इसे आप डी गमिंग भी कहते हैं। तो डी गमिंग भी सीरीकल्चर में एक स्टेप आता है, याद रखिएगा डी गमिंग। और डी गमिंग किस लिए किया जाता है, गमी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। गमी सब्सटेंस क्या था, सेरिसिन। तो यहां पर डी गमिंग किया जाता है, डी गमिंग, मैंने डबल जी लगा दिया, सिंगल जी आता भाई, डी गमिंग। तो इसके बाद यहां पे डी गमिंग किया जाता है। तो डी गमिंग में आप क्या करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इन केस ऑफ डी गमिंग व्हाट विल यू डू, ठीक है। डी गमिंग में जो क्लॉथ ऑफ सिल्क है इंट्रोड्यूस्ड इन, उसको उबाला जाता है बॉइल वाटर, बॉइल वाटर में डाल देते हैं, राइट। बॉइल वाटर helps to remove gum, यानी कि सेरिसिन को रिमूव कर देता है और आपके पास प्योर कपड़ा आ गया आपका, राइट। यहां पे सिल्क वॉर्म से रिलेटेड कुछ डिजीजेस भी हैं, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, सब डिजीजेस के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको, व्हाट आर द मेजर डिजीजेस रिलेटेड टू द सिल्क वॉर्म। एक बीमारी होती है पेब्राइन, पेब्राइन एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। कौन सा है ये एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, ये एक प्रोटोजोन इसका नाम है नोसेमा बोम्बिसिस। इस प्रोटोजोन की वजह से होता है पेब्राइन डिजीज जो है, ये एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है सिल्क वॉर्म में, और ये प्रोटोजोन जिसका नाम है नोसेमा बोम्बिसिस उस प्रोटोजोन की वजह से ये बीमारी होती है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा एक बीमारी और है यहां पे, मस्कर्डाइन एक फंजल इन्फेक्शन देखा जाता है सिल्क वॉर्म में, फंगस की वजह से होता है, और उस फंगस का नाम है स्पाइकेरिया। उस फंगस का नाम क्या है, स्पाइकेरिया, उस फंगस का नाम है मस्कर्डाइन, उसको बोला जाता है, राइट। एक बीमारी है मस्कर्डाइन और वो फंगस स्पाइकेरिया की वजह से डेवलप होती है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके अलावा पेब्राइन हो गया, मस्कर्डाइन हो गया, मस्कर्डाइन के बाद क्या है, ठीक है, एक और बीमारी में बता रहा था आपको जो कि एक वायरल इंफेक्शन है, बोट्राइटिस। बोट्राइटिस जो है
एक वायरल इन्फेक्शन है वो फ्लैक्री नाम के वायरस की वजह से होता है, फ्लैक्री नाम के वायरस की वजह से होता है बोट्राइटिस। तो पेब्राइन नोसेमा बॉम्बिसिस, मस्कर्डाइन स्पाइकेरिया राइट, और बोट्राइटिस एक वायरस की वजह से होता है, फ्लैक्री वायरस की वजह से। इसी के साथ सीरी कल्चर भी कंप्लीट हुआ, और सीरी कल्चर के साथ साथ हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं अपनी क्लास में, अगली क्लास में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्लांट ब्रीडिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको यहीं पर खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में मैं प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करूंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, पूरी एनिमल हस्बेंड्री आपको क्लियर होगी, और कभी भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं प्लांट ब्रीडिंग के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।